दिल्ली की सत्ता का एक बड़ा रास्ता उत्तर प्रदेश के गलियारों से होकर गुजरता है। यही वजह है कि अब यूपी के सियासी गलियारों में तमाम तरह की रणनीति बनाई जाने लगी है। तमाम राजनीतिक दलों के बीच बसपा ने भी राजनीतिक बिसात पर अपनी सियासी गोटियां फिट करनी शुरू कर दी है। कहने को तो मायावती ने सिरे से किसी भी राजनीतिक दल से सियासी गठबंधन को इनकार कर दिया है, लेकिन पार्टी से जुड़े सूत्रों का मानना है कि मायावती की झोली में लोकसभा चुनावों को लेकर दो तरह के महत्वपूर्ण प्लान तैयार हैं। पहले प्लान में लोकसभा चुनावों से पहले वो यूपी में एक विशेष जाति वर्ग में अपनी पकड़ बनाने को तैयार बैठे सियासी दल के साथ गठबंधन कर सकती हैं, जिसमें असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी पहले पायदान पर खड़ी नजर आ रही है। जबकि दूसरा प्लान उनका पूरी तरह से खुला हुआ है कि विधानसभा चुनाव के परिणाम के बाद वो गठबंधन के पत्ते खोलेंगी, जिसमें सरकार को समर्थन देने तक की बात कही जा रही है। अब इसी बीच सवाल उठ रहा है कि क्या ओवैसी के साथ बसपा का गठबंधन होगा। इस पर बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती ने किसी भी राजनीतिक दल से गठबंधन को लेकर इनकार कर दिया है। सियासी गलियारों में चर्चा इसी बात की हो रही है कि मायावती ने गठबंधन में जाकर चुनाव लड़ने से तो इनकार कर दिया है, लेकिन उनका ये इनकार सिर्फ विधानसभा के चुनावों तक ही है या कुछ और। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि जैसे ही विधानसभा के चुनाव समाप्त होंगे, मायावती अपने सियासी पत्ते एक बार फिर से खोलना शुरू कर देंगी। उत्तर प्रदेश के सियासी गलियारों में चर्चा इस बात की हो रही है कि लोकसभा चुनाव से पहले मायावती और असदुद्दीन ओवैसी के साथ मिलकर गठबंधन में जा सकते हैं। हालांकि इस गठबंधन को लेकर बहुजन समाज पार्टी से जुड़े किसी भी नेता ने खुलकर तो कुछ भी नहीं कहा है, लेकिन चर्चा इस बात की जरूर हो रही है कि समाजवादी पार्टी के मुस्लिम वोट बैंक में बड़े स्तर पर सेंधमारी करके गठबंधन को मजबूत बना सकती हैं। दूसरा पॉइंट ये है कि यूपी में सीटों की सियासत पर पेंच फंस रहा है। हालांकि किसी भी तरह की बातचीत से पहले बहुजन समाज पार्टी और ओवैसी की पार्टी की ओर से चुनावी सीटों को लेकर कई तरह के पेंच फंसते हुए नजर आ रहे हैं। सूत्रों की माने तो बहुजन समाज पार्टी ओवैसी को 4 से 5 सीटें देने पर राजी हो सकती है। इसको लेकर पार्टी के भीतर कुछ अंदरूनी चर्चाएं भी हुई हैं, लेकिन फिलहाल कहा यह भी जा रहा है कि ओवैसी की पार्टी अगर गठबंधन में जाती है तो वो इससे ज्यादा सीटों की दावेदारी करेगी, क्योंकि मुस्लिम बाहुल्य सीटों पर ओवैसी को बहुजन समाज पार्टी के माध्यम से मजबूत पैठ बन सकती है, जबकि बहुजन समाज पार्टी मुस्लिमों के बिखरे हुए वोट पर कुछ हद तक अपने साथ और मजबूती से जोड़ भी सकती है। साथ ही साथ तीसरा पॉइंट यह है कि हालांकि उत्तर प्रदेश में मायावती और ओवैसी के बीच होने वाले गठबंधन के सवाल को ही सियासी जानकार सही फैसला नहीं मानते। राजनीतिक विश्लेषक विष्णु एम कुमार कहते हैं कि मायावती और ओवैसी के बीच होने वाले गठबंधन की बात फिलहाल उनको समझ नहीं आ रही है कि ऐसा कोई गठबंधन हो भी सकता है। वो कहते हैं कि मायावती असदुद्दीन ओवैसी के साथ समझौता क्यों करेंगी, वो भी तब जब वो खुद मुसलमान वोटों पर सीधे तौर पर अपनी मजबूत पकड़ बनाना चाहती हैं। विष्णु कहते हैं कि ये तो जानबूझकर अपने उस जनाधार को खत्म करने जैसा ही होगा जिसे आप अपने साथ जोड़ना चाहते हैं, और आप फिर ऐसा गठबंधन करके मायावती ओवैसी को अपनी मजबूत पकड़ वाले वोट बैंक को क्यों दे देंगी, जिसमें उनको लंबे समय तक कोई भी भला नहीं होने वाला है। विश्लेषक का मानना है कि ओवैसी अगर मायावती के साथ मिलकर चुनाव लड़ते हैं तो उसमें मायावती को फायदे की जगह नुकसान भी ज्यादा होगा, क्योंकि गठबंधन में मायावती का दलित वोट ओवैसी के हिस्से में जा सकता है और मुसलमान वोट जो मायावती को पहले से ही मिल रहा है वो ओवैसी के साथ आने या न आने से कम ज़्यादा नहीं होने वाला है। ऐसे में इस गठबंधन की फिलहाल संभावना तो नज़र नहीं आ रही है, लेकिन वो कहते हैं कि सियासत में किसी भी परिस्थितियों से कुछ भी कहा नहीं जा सकता। चौथा पॉइंट ये है कि मायावती लोकसभा चुनावों के लिए एक सेफ गेम खेल रही हैं। राजनीतिक जानकारों का कहना है कि लोकसभा के चुनावों में मिले वोट प्रतिशत को आधार मानते हुए ही मायावती बहुत सेफ गेम खेल रही हैं। सियासी विश्लेषक जटाशंकर सिंह कहते हैं कि जिस तरीके से समाजवादी पार्टी इस बार के चुनाव में दलित मुस्लिम और पिछड़ों के सियासी गठजोड़ के साथ राजनीतिक मैदान में आगे तो बढ़ रही है, लेकिन उत्तर प्रदेश में मुसलमानों की राजनीति में फिलहाल ये कहना सिर्फ समाजवादी पार्टी की ही उनकी रहनुमाई करेगी अब इस दौर में तो थोड़ा कठिन दिख रहा है, और यही वजह है कि
उत्तर प्रदेश में बसपा लगातार मुसलमानों पर भरोसा जताते हुए उनको टिकट भी दे रही है। बसपा इसी का पॉलिटिकल माइलेज उठाना चाह रही है। चूंकि बहुजन समाज पार्टी पूरी तरीके से समाजवादी पार्टी के वोट बैंक में सेंधमारी करना चाहती है और इसीलिए एक संभावना जरूर बन रही है कि वो ओवैसी को अपने साथ लेकर समाजवादी पार्टी के गढ़ में बड़ी सेंध लगाएं और गठबंधन में उन सीटों पर कब्जा करें। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर यूट्यूब पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भी, निरंतर।